तो दोस्तों सुपरस्टार ऋतिक रोशन और दीपिका पादुकोण की अपकमिंग फिल्म फाइटर को लेकर फैंस बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। लेकिन फिल्म के रिलीज होने से पहले इस फिल्म के तीसरे सॉन्ग को लेकर एक अपडेट आ चुकी है। लेकिन उससे पहले हम आपको बता दें कि सिद्धार्थ आनंद के डायरेक्शन में बड़ी फिल्म फाइटर का पहला सॉन्ग शेर खुल गए रिलीज किया गया था, जिसे दर्शकों से जबरदस्त रिस्पॉन्स देखने को मिला है। उसके बाद फिल्म के मेकर्स ने फिल्म का सेकेंड सॉन्ग इश्क जैसा कुछ को रिलीज किया गया, जो एक रोमांटिक सॉन्ग है जिस गाने में ऋतिक रोशन और दीपिका पादुकोण का हॉट केमिस्ट्री आग बरसा रही है। इस गाने को रिलीज होते ही सोशल मीडिया पर सुर्खियां बटोर रही है, जिसका कारण है ऋतिक रोशन और दीपिका पादुकोण का जबरदस्त केमिस्ट्री। हालांकि इस गाने का फिल्म पठान का गाना बेशरम रंग जैसा कुछ कुछ फीलिंग देता है। इस गाने के बाद बहुत जल्द इस फिल्म का तीसरा सॉन्ग बहुत जल्द ही हम सबको देखने और सुनने को मिलेगा, जो कि एक सैड सॉन्ग होने वाला है। जी हाँ, मीडिया से खबरें आ रही है कि बहुत जल्द फाइटर का तीसरा गाना रिलीज होने वाला है। बता दें कि फाइटर के तीसरे गाना का टाइटल जख्म बताया जा रहा है। वैसे फाइटर को सिद्धार्थ आनंद ने डायरेक्ट किया है, जिन्होंने शाहरुख खान के साथ पठान जैसी ब्लॉकबस्टर फिल्में बनाई हैं। वही ये एक देशभक्ति फिल्म होने वाली है, जिसमें इंडियन एयरफोर्स के बारे में बताया जाएगा। इस फिल्म को अगले साल 25 जनवरी को सिनेमाघरों में रिलीज किया जाएगा। वैसे ये अपडेट आपको कैसा लगा आप हमें बता सकते हैं। बॉलीवुड न्यूज गॉसिप और फिल्म रिव्यू से जुड़ी ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट के लिए आप हमारे साथ बने रहें। मिलते हैं एक नई अपडेट के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।